दोस्तों, आपने कभी एब्रॉड फेलोशिप का नाम सुना है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एब्रॉड में स्टडी करने की सोच रहे हो। और आज की वीडियो में इस एब्रॉड फेलोशिप के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बातें करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अपनी कंट्री में पढ़ाई करती हो तब तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री में जब पढ़ाई करने के लिए आपको जाने का चांस मिलता है या फिर आप सोचते हो दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है या फिर पैसों की। या फिर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा होता है कि लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन अपने पैसों की कमजोरी की वजह से, अपनी फैमिली के सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो अक्सर सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो उसके साथ अच्छे लोग भी हैं, और ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे ऐसे एकेडमिक्स हैं जो अपने को फेलोशिप ऑफर करती है। सबसे पहली बात, ये फेलोशिप्स क्या चीज़ होती है जो अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एब्रॉड अगर आपको जाना है। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना है तो अमेरिका में डॉलर होता है और यहाँ पे रुपीज़ होता है। यहाँ पे आप जब 60 रुपीज़ देते हो, 70 रुपीज़ देते हो, तो वहाँ पे आपका वो $1 बन जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी फैमिलीज वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाती यहाँ पे अमेरिका जैसी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अमेरिका की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो एब्रॉड स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेलोशिप देती है। यहाँ पे फेलोशिप ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपका एकेडमिक्स, आपका रहने का, खाने का सारा खर्चा यहाँ पे वो लोग करते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि आपको उसके लिए एलिजिबल होना होता है। हालांकि वहाँ पे भी थोड़ी सी कंपटीशन आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कंपटीशन कहाँ नहीं होती। और अगर जिंदगी में ऐसे ही बैठोगे तो वैसे भी आप मरने वाले हो, वैसे भी एक जगह पे बैठने के बाद आपका कुछ होने नहीं वाला। तो थोड़ा सा कंपटीशन करने में क्या एतराज है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आपको किसी जगह पे अपने हक के लिए या फिर अपने के लिए थोड़ा सा कंपटीशन करने की जरूरत पड़े तो कभी भी निराश मत होना, कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि ये जो आप ट्राई करते हो ना उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सपोज मान लीजिए आप फेलोशिप के लिए कोई एग्जाम है, उस एग्जाम को आप प्रिपेयर करती हो, बहुत अच्छे से देती हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में आप थोड़ा बहुत ट्राई करती हो, लेकिन अगर आपका वहाँ पे हो जाता है सिलेक्शन तो सोचो आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल जाएगी। तो ये फेलोशिप जो होती है ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक बहुत सारी फेलोशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि कुछ फेलोशिप्स ऐसी होगी जो स्पेशल कॉन्टिनेंट या फिर स्पेशल कंट्रीज के लोगों के लिए ओपन होगी, लेकिन कुछ फेलोशिप्स ऐसी होंगी जो सारी कंट्रीज के लोगों के लिए ओपन होती है। यानी जो फेलोशिप ऑफर करता है जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर बहुत सारे एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, जब वो फेलोशिप ऑफर करते हैं तो उनका स्पेसिफिक टारगेट होता है। सपोज मान लीजिए मैं खुद यहाँ पे महाराष्ट्र का हूँ, और अगर मैं फेलोशिप ऑफर करूंगा किसी दूसरे स्टेट के लोगों के लिए, तो मैं ऑफर करूंगा कि महाराष्ट्र स्टेट के लोग जो बाकी के स्टेट में है ऐसे लोगों के लिए मैं ऑफर करूंगा। यानी जो होता है अपनी अपनी फीलिंग के ऊपर वो होता है, अपनी फीलिंग या फिर जो फेलोशिप ऑफर करता है तो वो चाहता है कि इसी कॉन्टिनेंट के, इसी कंट्री के या फिर इसी स्पेसिफाइड ग्रुप के लोग मेरे फेलोशिप का यहाँ पे फायदा उठाए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कंडीशंस रखते हैं। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि बहुत सारी फेलोशिप ऐसे भी अवेलेबल है जो सारी कंट्रीज के लिए अवेलेबल है, यानी सारी कंट्रीज के लोग या फिर सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फेलोशिप में क्या होता है कि उनकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, यानी कुछ फेलोशिप्स ऐसी होती है जो आपका सिर्फ एकेडमिक्स का खर्चा उठाती है, कुछ फेलोशिप्स ऐसी होती है जो आपको स्टेइंग का, आपके रेजिडेंस का खर्चा उठाती है, कुछ फेलोशिप्स ऐसी होती है जो दोनों चीज़ों को कवर करती है, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ भी अगली बात मैं मेंशन करना चाहूँगा फॉरेन कंट्रीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि इंडिया में अभी तक ये नहीं है, लेकिन उन कंट्रीज में बहुत एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने की होता है या फिर आप वहाँ पे कोर्स करती हो, उसके साथ आप पार्ट टाइम बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। इंडिया में पार्ट टाइम तो काम है, लेकिन वो काम ऐसे है कि ऑफलाइन डाटा एंट्री ऑनलाइन या फिर बीपीओ वगैरह ऐसी चीज़ें, ऐसे काम होते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन आपको उसके फायदे बहुत होते हैं। आपके एकेडमिक्स के लिए वो बहुत लोग हेल्प करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जब आप उस कंट्री में जाते हो तो अपने खाने पीने का खर्चा तो वो लोग देते हैं, लेकिन उसके साथ अपने खुद के एक्सपेंसेस आप खुद यहाँ पे तैयार कर सकते हो। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट्स को देखा था जो यूएसए में जॉब करता है, लेकिन उसके साथ पार्ट टाइम जॉब के साथ अपना एजुकेशन भी वो कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि ऐसे लोग होते हैं तो क्यों ना मेरे व्यूअर्स को बताना चाहिए कि हम जब फॉरेन में जाती हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत जाना, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना, उसके साथ यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करना। इसका फायदा ये होता है कि आप करियर में बहुत आगे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, उसके साथ आपके फैमिली के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आ पाता।
पार्ट टाइम जॉब से वहाँ पे $400-$500 मिनिमम आपको तो आसानी से मिल जाते हैं, तो आपके महीने भर का एटलीस्ट खाने का खर्चा भी निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सारे लोगों के लिए जो फेलोशिप का यूज़ करके यहाँ पे फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को, पर पहली बार आए, अगर आपको लग रहा है कि चैनल में अच्छा सा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।